बिहार इन शॉर्ट्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिहार में अपराधी जिस तरह से तांडव शुरू की है, आम लोग उनके गोलियों के शिकार हो रहे हैं, लेकिन खगड़िया में जिस तरह से एसआई की हत्या हुई, बात स्पष्ट हुई कि बिहार इन दिनों गुंडा राज के दौर से गुजर रहा है। अपराधियों के सामने पुलिस प्रशासन लाचार है, नतमस्तक है। सत्ता संरक्षित अपराध बिहार के अंदर में सिर चढ़ करके बोल रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी पुलिस हेडक्वार्टर के उद्घाटन में डीजीपी के सामने फरियाद लगा रहे थे, यह स्पष्ट हो चुका है कि सरकार अपराधियों के सामने नतमस्तक हो चुकी है। सरकार का खौफ अपराधियों में नहीं है, बल्कि अपराधियों का खौफ अब शासन में समा गया है। इसलिए बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। अब इस बिहार की रक्षा भगवान ही करे, सुबह जब कोई निकलता है तो फिर शाम को लौटेगा कि नहीं लौटेगा, ये मन में डर है। अब तो आम बालू को छोड़िए, अब तो दरोगा और ईसाई जिस तरह से गोलियों के शिकार हो रहे हैं, तो कौन महफूज है? अब बताइए बिहार कहाँ जा रहा है? नीतीश जी माफ करिए बिहार को, कम से कम बकस दीजिए। पास कोई मुद्दा नहीं है कुछ बोलने के लिए, उनको अपने 15 सालों के शासन का जरा ध्यान रखना चाहिए और उसकी तहकीकात करनी चाहिए कि कैसी कैसी घटनाएं होती थी। आज अपराधियों के मनोबल को हमने तोड़ने का काम किया है। अपराधी अगर अपराध करते हैं तो वह बच नहीं पाते हैं, वह हर हाल में पकड़े जाते हैं और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। कानून का राज है। अगर कोई घटनाएं हो जाती है अपराधियों के माध्यम से, तो ऐसी जो ऐसी घटनाएं स्वाभाविक कोई एकाध हो सकती है, लेकिन उसके बाद अपराधियों पर अंकुश लगाने का भी काम करती है। और आरजेडी के लोग बेवजह और बेबुनियाद बातें करते रहते हैं। बिहार इन शॉर्ट्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।